mà một nè. केव है तो केव के अंदर से जाके हमें मिलेगा बीच एरिया, तो इसलिए हमें ये सेफ्टी हेलमेट दिया है। यो सालिम इज कॉल्ड जेम्स बॉन्ड 2 राइट। एलन में शूटिंग हुआ था जेम्स बॉन्ड मूवी का इन 1974, द मैन विद गोल्डन गन। रशिया इंडिया You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. A new video. तो आज हम लोग फुकेट में एक आइलैंड टूर जाने वाले हैं। तो आज हम लोग जाएंगे जेम्स बॉन्ड आइलैंड। तो सिर्फ जेम्स बॉन्ड आइलैंड नहीं, वहाँ पे कई सारे आइलैंड और बीच और बहुत सारी चीज़ें हम लोग एक्सपीरियंस करने वाले हैं। कुछ एक्टिविटीज़ भी है जैसे कनोइंग वगैरह है, तो वो सब हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो आप लोग भी इस वीडियो में जेम्स बॉन्ड आइलैंड का टूर देखने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं बताऊँगी कि कहाँ से मैंने टिकट बुक किया था फुकेट से और कितना प्राइस पड़ा था हमें पर पर्सन, और आप लोग भी कहाँ से टिकट आप ले सकते हैं और कहाँ से नहीं लेना है, ज़्यादा महंगा पड़ता है, तो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी इस वीडियो में और मेरा ये पूरा टूर दिखाऊँगी। अभी एक्चुअली हो रहा है यहाँ पे 9:30 और हम लोग पहुँच गए पियर में। तो यहाँ से हम लोग स्पीड बोट से जाएंगे सारे आइलैंड तक। तो आप लोग एक्चुअली स्पीड बोट से जा सकते हैं या लॉन्ग टेल बोट या बिग बोट्स है। तो स्पीड बोट का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, बट सारे प्लेसेस आप कवर कर सकते हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स ज़्यादा है क्योंकि थोड़ा सा छोटा बोट है वो। बिग बोट या लॉन्ग टेल बोट में क्योंकि वो थोड़ी बड़ी होती है तो सारे प्लेसेस नहीं कवर कर सकते और थोड़ा सा स्लो जाता है। ओवरऑल टाइम सेम ही रहता है। तो हमारा होटल से पिकअप था 8 AM और यहाँ हमें पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट अभी 9:30 हो गया पियर में पहुँचते। तो अभी शायद 10-15 मिनट में हम लोग स्पीड बोट में बैठ जाएंगे। अभी यहाँ पे एक्चुअली नाम वगैरह होटल ये सब हम लोगों का नोट डाउन कर रहे हैं और बस यही सोच रही हूँ कि बारिश ज़्यादा ना हो, क्योंकि ज़्यादा बारिश होने से थोड़ा पानी में भी थोड़ा सा डर लगता है और मतलब बीच वगैरह में भी थोड़ा पानी मतलब बारिश होने से थोड़ी दिक्कत होने लगती है। तो होप आज का ये हमारा टूर बहुत अच्छा जाने वाला है। तो आप लोग भी वीडियो को एंड तक देखते रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। और अगर मेरा पहले वीडियोज़ नहीं देखा है फुकेट और क्राबी सीरीज का तो डू चेक आउट, इट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। काम हो में
के यहाँ से हमें अभी अंदर से ऐसे जाना है नीचे से, और ये नीचे पानी, तो सुंदर है ना। तो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द पानक आइलैंड। तो यहाँ पे एक्चुअली केव है, तो केव के अंदर से जाके हमें मिलेगा बीच एरिया, तो इसलिए हमें ये सेफ्टी हेलमेट दिया है। तो यहाँ पे नीचे पानी है और ये साइड साइड में ये केव है। तुम मुझे एक हाथ से पकड़ लो। तो ठंडा पानी एकदम। हाँ अंदर है ना के, तो लाइट इधर दो था। ये अच्छा लग रहा है ना, ठंडा ठंडा पानी और ऐसे अंधेरे में। ये पूरा केव है ऐसे साइड में ऊपर में। ओए मुझे ले तो जाओ, मतलब साथ में जाने बोल रही हूँ, बाकी दिक्कत नहीं है। पकड़ लो, पकड़ लो, तुम ये टॉर्च पकड़ लो, सीधा रखना, सीधा फोन सीधा रखो। इसको बंद करते हैं, यहाँ से निकलेंगे ना थोड़ा आएगा। अच्छा समझ, छिल गया, गिर गई थी ना इसके, नहीं उसके नीचे नहीं था, एक नीचे हो गया था, एक ऊपर था, वैसे हमारा तो ये है होम आइलैंड। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे कायाकिंग, तो आप लोग दो में भी जा सकते हैं, तीन में भी जा सकते हैं। यहाँ पे जो कायाकिंग वाला बोट ऑलरेडी रेडी है। चलो कर देना, जी जा
आगे आगे चलो दिल्ली असम In Hong Island there is no any beach. हाँ हमने देखा था एक इस पे अभी पानी वो ज्यादा होगा नाइस अभी पीछे कर दे जैसे भी पंग आइलैंड में गए थे ना वैसा टाइप है ना वेयर इज एलिफेंट ओके इट लुक लाइक दैट ऐसे वो घुमा के लेके जाएंगे बाहर निकाल देंगे नहीं इधर नहीं है निकालने ये पूरा घुमा देंगे इधर एनिमल्स एनिमल्स नहीं है ना कोई हाँ एनिमल्स होंगे बर्ड्स होंगे
तक आ जाते सुबह? ओके देन वी कैन नॉट डू कैनोइंग राइट? इट्स अ सी हॉर्स. वैसे मूवी में आ गई. हाँ नहीं एक्चुअली मुझे लग रहा है यहाँ पानी इस कलर का दिख रहा है क्योंकि ये ना शेडो आ रहा है. बट यहाँ तो कुछ वैसा कुछ एक्टिविटी होता ही नहीं कि गंदा हो पानी. हाँ वही इस सबसे गिर के फिर रॉट होके गंदा हो जाता होगा और फ्लोट भी नहीं हो रहा ना यहाँ पानी बाहर. अभी नहीं यहाँ पे ऐसे कुछ आवाज डरावना सा आवाज कर दो तो डर लग गया था. ऐसा लग रहा है डायनासोर आ जाएगा. अभी कहाँ से निकलेंगे? ओ इतनी छोटी सी है. यहाँ से हमें शायद निकाल देंगे ना बाहर. ऐसे तो दिखने में नहीं दिख रहा मेरे लेकिन कैमरा में दिख रहा है. हाँ हमारा बोट यहाँ भी नहीं है. हमारा बोट नहीं है यहाँ पे. वो तुम खुद से भी कर सकते हो. यू वांट टू डू? वो लड़की कर रही है. This island is called James Bond 2, right? Yes, James Bond 2. You can island some more. Okay. Picture. Welcome to Hong Island. Hong Island. Yes. Yeah, Hong Island. If you would like walking inside the village, please remember the way to come back. My boat only parking in front of New Front Restaurant. We have time for you 1 hour. 1:10, 1 o'clock past 10 minutes. 1 o'clock past 10 minutes. No, 1 o'clock past 10 minutes. 1:10. तो अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पंजी आइलैंड. तो यहाँ पे हम लोगों को मिला है 1 आवर का वेट. तो यहाँ पे एक्चुअली हमें बफे लंच मिलेगा. तो एक्चुअली यहाँ पे एक विलेज बना हुआ है पानी के ऊपर और यहीं पे एक बहुत सुंदर सा रेस्टोरेंट बना है न्यू फर्न रेस्टोरेंट. मैं आप लोगों को दिखाऊंगी. अभी बहुत सुंदर है मतलब इसका लुक
जो आर्किटेक्चर है बहुत डिफरेंट है, और यहाँ पे मतलब कई साल पहले यहाँ पे कुछ रेफ्यूज़ वगैरह आए थे और आके वो लोग यहाँ पे रहने लग गए. सो यहाँ पे जो विलेज है वो कम्प्लीटली मुस्लिम कम्युनिटी है, तो यहाँ पे जो फूड वगैरह मिलता है वो हलाल फूड है, और बाकी थाई और बाकी जो इंडियन फूड वैसा ही खाना मिलता है. तो लेट्स सी कैसा खाना होगा, आप लोगों को सब दिखाऊंगी. बफे लंच होगा, और जो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स एक्चुअली हमारा जो लंच बफे है वो हमारा पैकेज में इंक्लूडेड था. अगर किसी का इंक्लूडेड नहीं होता तो आप यहाँ पे करके भी खा सकते हो. बहुत सुंदर है, और आगे इसका अंदर अंदर जाकर उनका विलेज है. बहुत बड़ी तो विलेज नहीं है, बट कई मतलब बहुत सुंदर है ये प्लेस. एकदम हवा चल रही है यहाँ पे, पीछे ये सी है, तो यहाँ पे हमें नीचे रोक दिया था स्पीड बोट ने, जस्ट स्टेयर से ऊपर आना है और यहाँ पे ये रेस्टोरेंट बना है. बहुत प्यारे लोकेशन है, आप लोग अभी दिखाती हूँ. तो यहाँ पे ये है फ्राइड चिकन, पपाया सैलड, चिकन ग्रीन करी सूप, पैड थाई नूडल्स, स्टिम राइस, और ये है टॉम यम सी फूड. ये बहुत फेमस है यहाँ पे, और ये कुछ ड्रेसिंग्स वगैरह है. तो यहाँ पे नॉन वेज और वेज का सेक्शन अलग से लगाया है. तो ये कुछ स्नैक्स है, बिस्किट्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, और ये वेज सेक्शन, टोमेटो सॉस, स्पैगेटी, ग्रीन सैलड, पोटैटो करी, दाल, अनियन फ्राई और फ्राइड राइस. तो सफिशिएंट वैरायटीज़ है यहाँ पे बोथ फॉर वेज एंड नॉन वेज. और ये देखिए जो इनका न्यू फन रेस्टोरेंट है कितना हाइजीनिक लग रहा है और काफ़ी स्पेशियस है. तो अभी मुझे बहुत भूख लग रही है, तो आप लोगों से खा के मैं मिलती हूँ. तो मेरा लंच हो गया यहाँ पे. तो क्योंकि मैं नॉन वेज खाती हूँ, चिकन खाती हूँ, तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं हुआ. चिकन कई सारे आइटम थे, लेकिन अगर आप लोग वेज खाते हो तो वेज के थोड़े आइटम कम थे, तो उसकी क्वालिटी भी एवरेज बोल सकती हूँ. बट नॉन वेज वालों के लिए बिल्कुल सही था, हलाल चिकन मिल रहा था. तो अभी आप लोग को थोड़ा ये रेस्टोरेंट दिखा देती हूँ कि कैसा है. स्पीड बोट बुशरा 15, तो यहाँ पे हम लोगों को रोक दिया गया था. फिर ऐसे हम स्टेयर्स से आए, एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम हियर. तो ये है पंजी आइलैंड, और यहाँ पे और भी कई सारे स्पीड बोट्स आके यहाँ पे रोका है. तो ये कुछ इस टाइप से दिखता है. तो यहाँ पे अंदर जाके ये बफे लंच लगा हुआ है, और कई सारे आपका सिटिंग अरेंजमेंट्स है. न्यू फर्न रेस्टोरेंट. So the next point is James Bond Island. तो James Bond Island का actual नाम है Khao Ping Khan. लेकिन now why it is called James Bond Island? Because यहाँ पे इसी island में shooting हुआ था James Bond movie का in 1974, The Man with Golden Gun. तो उसी movie के बाद ये आइलैंड का नाम हो गया जेम्स बॉन आइलैंड, और ये टूरिस्ट के बीच में बहुत फेमस हो गया. तो जो भी एक्चुअली फुकेट में आता है ये जेम्स बॉन आइलैंड ज़रूर आता है. Bye-bye.
देखा वो कैसे ना पूरा उसे लीनिंग बोला था ना उसने लीनिंग रॉक country russia okay. Are you india. From india do you know india ab zyada unko samajh nahi aata waise to don't understand english yeah. Right yeah. No, it's okay no oh, no problem it's okay okay are you in क्योंकि इस जगह पे बहुत टूरिस्ट आते हैं तो इसलिए लोकल्स ने यहाँ पे मार्केट भी लगाया है जहाँ पे आपको रियल पर्ल्स और शेल्स के कई आइटम्स मिलता है ज्वेलरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह है सोविनर भी मिलेगा लेकिन प्राइस काफ़ी ज़्यादा है So this is the last point of our today's trip. So ये island का नाम है नाका island. तो यहाँ पे आप swimming कर सकते हैं और कुछ activities आप कर सकते हैं जैसे jet ski वगैरह है paragliding है banana boat है और जो glass boat में बैठ के आप जो activity कर सकते हैं वो है तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ है सबका अलग अलग चार्जेस है ये एक्टिविटीज़ हमारे जो टूर है उसमें इंक्लूड नहीं रहता है वो आपको अलग से पे करके करना पड़ता है सो इट्स योर विश तो दिस बीच और दिस लास्ट पॉइंट इज़ मेनली फॉर योर स्विमिंग रिलैक्सेशन एंड डूइंग ऑल दिस एक्टिविटीज़ तो यहाँ पे कुछ कैफ़ेज़ वगैरह है तो आप यहाँ पर मॉकटेल्स कॉकटेल्स लेके भी यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हो तो बहुत लोग यहाँ पे सन बैथ ले रहे हैं और आप स्विमिंग कर सकते हैं यहाँ पे और ये मेरे पीछे ये सब जेट स्कीज़ है और यहाँ पे बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट है बहुत सारे ट्रीज़ है क्योंकि ऑलमोस्ट 330
हुआ है. हमें एक यहाँ पे एक घंटा टाइम दिया है इस पॉइंट में. तो अभी वेदर भी काफ़ी अच्छा हो गया है, ना बारिश है ना धूप है, बहुत बढ़िया मौसम है. तो आप बीच में लेट भी सकते हो, या तो पानी में जाओ, खूब इन्जॉय कर सकते हो. और बैकग्राउंड कुछ सॉन्ग्स भी बज रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है. ओवरऑल आज का ट्रिप तो मतलब अभी तक बहुत बढ़िया गया. तो यहाँ पे अभी हम लोगों का और आधा घंटा है, तो थोड़ा पानी में जाते हैं और बाकी थोड़ा मैं बैठती हूँ, रेस्ट करती हूँ. तो बाद में जब फुकेट पहुँचेंगे तो वहाँ पे मैं बताऊँगी कि ओवरऑल हमारा ये ट्रिप का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कहाँ से हमने बुक किया, तो सारा चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगी फुकेट पहुँच के. तो तब तक मेरा वीडियो देखते रहिए. होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा. प्लीज़ हिट द लाइक बटन इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो. तो हम लोग आइलैंड टूर से अभी पियर में पहुंच गए हैं, फुकेट पियर पे. तो अभी टाइम हो रहा है 4:47 और जैसे ऑलमोस्ट हम लोग पहुंचने वाले थे पियर, तभी इतनी जोर से बारिश होना स्टार्ट हो गई. बट इसी तरह हम लोग अभी ये वैन में बैठ गए. बट ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा. जैसे ट्रिप में बीच में थोड़ी सी बारिश हुई थी, लेकिन हमारा ट्रिप में ऐसा बारिश नहीं हुआ ताकि मतलब कुछ भी ऐसे दिक्कत हो. बहुत बढ़िया से हो गया. तो अभी ठीक तो वैसे गए, बट ठीक है अभी होटल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है. जेम्स बॉन्ड आइलैंड टूर से हम लोग होटल पहुंचे थे अराउंड 6 PM. तो हमें टोटल आज का टूर का था 8 to 9 hours, क्योंकि हमें होटल से पिकअप किया था सुबह अराउंड 8:15. उन्होंने टाइम दिया था बिटवीन 8 to 8:15 के अराउंड. थोड़ा सा लेट हुआ था तो 8:15 के अराउंड हमें होटल से पिकअप किया मिनी वैन से. और फिर हमारा जो स्पीड बोट से हम लोग गए थे, तो स्पीड बोट ऑलमोस्ट स्टार्ट हुआ था 9:30, क्योंकि फायर है वो पटोंग एरिया से काफी दूर में है. हमें लग गया था 45 मिनट्स अराउंड, तो एग्जैक्ट डिस्टेंस मुझे नहीं पता बट 45 मिनट्स तो लग गया था. तो उसके बाद फिर हमें ज्वाइन किया था हमारे गाइड, और हमारे साथ स्पीड बोट में गए थे कई सारे लोग, अराउंड 15 to 20 people. और फिर हमें टोटल 5 points कवर किया था आज के ट्रिप में. तो फर्स्ट हमारा आइलैंड था पनक आइलैंड, नेक्स्ट था हमारा होंग आइलैंड जहाँ पे हमने कनोइंग किया. बहुत मज़ा आया, वो एकदम बिल्कुल फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम मैंने देखा था लाइफ में, तो बहुत मज़ा आया. वहाँ पे हमें 30 मिनट्स
दिया था, कनोइंग किया हमने. फिर उसके बाद हम लोग गए थे लंच करने के लिए, दैट वाज इन पंजी आइलैंड, जो एक मुस्लिम विलेज था. वो बहुत अच्छे से बनाया था वो रेस्टोरेंट, न्यू फर्न रेस्टोरेंट था. वहाँ पे हलाल फूड मिलता, अच्छा था खाना काफ़ी. और फिर उसके बाद हम लोग गए थे जेम्स बॉन्ड आइलैंड में, बहुत फेमस आइलैंड है टूरिस्ट के बीच में, तो वहाँ भी काफ़ी मज़ा आया. उसके बाद हम लोग गए थे नाका आइलैंड, सो दिस वर ऑल फाइव आइलैंड, तो काफ़ी मज़ा आया. और फिर जैसे हम लोग पियर पहुंचने वाले थे तो काफ़ी तेज बारिश स्टार्ट हो गया. पूरे ट्रिप में बारिश नहीं हुआ, बस लास्ट लास्ट में बारिश मिला और हम लोग किसी तरह आके मिनी वैन में बैठ गए. और फिर हम लोग होटल पहुंचे अराउंड 6:30. तो काफ़ी अच्छा गया आज का ट्रिप. अगर मैं बोलूँ सेवन आइलैंड, फीफी आइलैंड और जेम्स बॉन्ड आइलैंड, इन तीनों टूर मैंने किया था. इन तीनों टूर में से सबसे अच्छा लगा मुझे जेम्स बॉन्ड आइलैंड. और अगर हम प्राइस की बात करें तो कहाँ से मैंने बुक किया वो सब मैं अभी बताने वाली हूँ आगे. तो हमने बुक किया था इन 1300 बात पर पर्सन. कई सारे टूर एजेंसी से मैंने बात किया, तो 1300 वॉज द मोस्ट चीप प्राइस दैट आई हैव गॉट. तो वहाँ से मैंने, मेरे जस्ट होटल है पटोंग एरिया में, तो पटोंग बीच एरिया जस्ट उसी के पास में एक टूर एजेंसी से मैंने बुक किया. जस्ट एक दिन पहले बुक किया था जेम्स बॉन्ड आइलैंड के लिए, तो 1300 भाट पड़ा था, सो दैट वॉज अ क्वाइट रिजनेबल प्राइस. तो यही था आज के टूर के लिए, बहुत मज़ा आया. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में. वैसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पटोंग बीच कवर करेंगे और मेरे होटल के आसपास कई सारे रेस्टोरेंट्स है, कैफेज है, वो सब हम एक्सप्लोर करने वाले, मसाज कराऊंगी. तो आप लोग वीडियो देखते रहिए. और अगर पिछले वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखा है मेरे क्रबी और फुकेट सीरीज का, तो डू चेक आउट, इट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर. Include lunch, have for the light breakfast in morning, include national park, include transportation, including national park. Yes. And it is including of canoeing. Yes, sir. Canoeing. Yeah, include cave. And then this one, you go look on for the cave. You go to the James Bond Island, Khao Phin Kan, include for the canoeing, include lunch at the Bandi Island Muslim Millet, and then you have time for the relax time at the Naha Yai Island. Okay. Means this big boat मतलब कौन सा वाला होगा? Big boat जो नहीं है तुमको दिखाया था. Slowly feed for the big boat. Okay. What is the timing? Start from? Pick up from your hotel 8:00 in the morning. 8:00. Yes. Okay. And return? Return around 5:30. For both big boat and speedboat. Speedboat. And what about big boat? This one from the big boat. Canoeing is not there in big boat. Yeah, it's either canoeing too. And then the big boat cannot go to the cave. No, yeah. not go Pandi Island, and then not go to the Naha Yai Island too. Okay. And then lunch on the boat from the big boat. Okay. So then here in for the big boat less places, less island. Yeah, this one. But James Bond Island, Hong Island, Phanak Island. Hong Island तो इसमें कवर हो ही रहा है हमारा. हाँ इसमें भी है ना. हाँ तो ये अच्छा फिर इस यहाँ यू को Hong Island, Phanak Island, Naha James Bond Island, Naha Island, Naha Pandi Island. But in case tomorrow have so many company,